दो तीन। अरे भाई फोन को पकड़ो, इसको पकड़ो, इधर 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 इधर, पता नहीं क्या ही हो रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। आज हम ड्रैग रेस करवाने वाले हैं स्कोडा रैपिड वर्सेस महिंद्रा एक्सयूवी 700, डीजल पेट्रोल मैनुअल मैनुअल। अब ये गाड़ी आपने चैनल पे पहले भी देखी होगी, ये गाड़ी स्टॉक नहीं है, इस जो ये वाली जो गाड़ी है ये है ट्यून्ड। और भाई ने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें करवा रखी हैं, वो हम गाड़ी के ओनर से ही जानेंगे। वैसे उसके जो हमने पहले जब इस गाड़ी की रेस करी थी उसके बाद भी भाई ने इस पे 40-50 हज़ार रुपये लगा चुके हैं, पूरी जो है आज बात जानेंगे। और वो जो गाड़ी है वो आप जानते होंगे भाई, विक्रम मलिक। कैसे हो भाई? भाई बहुत बढ़िया, बताओ। बिल्कुल बढ़िया। तो आज क्या लग रहा है भाई? भाई कुछ नहीं कह सकते। बाकी हमारे साथ शवि भाई भी, कैसे हैं? कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। क्या लग रहा है भाई? बिल्कुल कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर, हैशटैग चुहा। क्या कर लग रहा है भाई? बहुत पावरफुल है दोनों व्हीकल, देख। बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। ये स्कोडा के ओनर, कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद वापस स्वागत है आपका चैनल पे। तो अब ये बताओ क्या क्या काम करवा दिया वापस इसमें आ गया आपने? यार इसमें एक तो आगे 15mm और पीछे 20mm के जापान रेसिंग के व्हील स्पेसर्स, और आगे ब्रेम्बो के ड्रिल रोटर्स। अब ये बताओ इस ना वो हीट हो जाते थे, मतलब वो वेंटिलेटेड वाले एक तरह से ये। अब ये बताओ इसकी पावर, मतलब इंजन स्पेसिफिकेशन क्या कुछ है? ये 1.5 डीजल है। 1.5 डीजल है ये। स्टॉक ये 108 bhp और 250 की टॉर्क थी। अब ये TVS का रीमैप है इसमें, और 150 bhp 320 का टॉर्क। अच्छा ये बताओ ये आपकी कौन सा मॉडल है? 2019 19 दिसंबर है। कितनी चल चुकी? 32। कोई गाड़ी में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो भाई उस दिन भी हमने यही था, जम के चलती है ये, बिल्कुल टिक के। व्हील स्पिन देखना, मेन तो इसका व्हील स्पिन है भाई, जब भागती है पागल हो जाती है। विक्रम भाई आपकी गाड़ी की क्या कुछ है इंजन स्पेसिफिकेशन? 2000cc का पेट्रोल इंजन, 97 bhp और 380 nm टॉर्क है। 380 nm टॉर्क। ये आपकी गाड़ी चलो भाई जो इसका फर्स्ट राउंड है वो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतती है। हालांकि ये सिडैन है भाई, ट्यून्ड है, तो एक तरह से मतलब इसको तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, पर ये गाड़ी भी कम नहीं है भाई, बहुत फेमस है गाड़ी। पेट्रोल इसका जो है इंजन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इसका फर्स्ट राउंड जो है वो शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं हम। ए आप चला रहे हो इसको? विक्रम भाई साथ में बैठे हैं, प्रथम भाई इसको ड्राइव कर रहे हैं, हम जो है बैठेंगे रैपिड में, उज्जवल भाई के साथ बैठेंगे हम। तो देखते हैं भाई पागल करते हैं उस गाड़ी को या नहीं करते। पिछली बार तो हमने देखा था भाई इस गाड़ी का, अपनी वरना का और क्रेटा का तो पूरा हाल हो गया था। इसका देखते हैं यार क्या कुछ रहता है। एसी ऑन रहेगा, बस थोड़ी फैन कम कर लेते हैं ताकि वो वॉल्यूम में जैसे आवाज ना आए। अरे एसी ऑन रखोगे ना? ऑन रखो, ऑन कर लो, एक राउंड ऑन का कर लेते हैं, एक में ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? पता चल जाएगा डिफरेंस। वैसे तो मेरे ख्याल से होता नहीं होगा यार इतना, पहले के जमानों में होता है मारुति में। इंजन हो ना उनमें फिर भी हो सकता है, मेरे को आईडिया नहीं उस चीज का। ये वैसे 1500cc है, उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं था। बाकी भाई ने ये भी लगवा लिया, तो डैश कैम जरूरी है, ये तो जरूरी है। कोई मोड नहीं है, कोई ट्रैक्शन नहीं है। हां कोई मोड कुछ नहीं है, एसी ऑन है, पावर मोड ऑन है हमेशा। ये क्या ये भाई कह रहे हैं हमेशा पावर मोड ऑन रहता है? ठीक भाई मेरा थोड़ा गला खराब है तो माइंड मत करना। एक दो तीन। अरे भाई वो गई भाई, वो गई, वो तो मार लो भाई ब्रेक मार लो, तो पागल हो गई थी बिल्कुल ही। स्टार्टिंग में तो अभी यूं यूं हो गई थी पूरी सांप की तरह, आगे जाके तो इसने ऐसा रंग दिखाया, ये फिर नहीं आई हाथ में। अरे भाई भाई ट्यून कराने के बाद क्या माइलेज खत्म हो जाती है? बढ़िया हो बड़े, मतलब उतनी रहती है, अगर नॉर्मल चलाओगे तो बढ़ जाती है अगर आप भगा रहे हो। हाँ इसमें तो वैसे भी कोई नहीं देती भाई माइलेज भगाने में, तो और पीछे से ले लो भाई, ले लो और पीछे ले लो, यहाँ से वहां कर लेते हैं, टाइम बचेगा भाई। लॉन्चिंग कैसी हुई थी? यूं यूं हो रही थी गाड़ी, देख रहा था मैं वीडियो में भी दिख रही है। ठीक है भाई
अच्छा वन टू थ्री तो मेरे को ही बोला है। एक दो तीन। ओ भाई स्टार्टिंग में तो उसका व्हील सेंस समझ नहीं आता, पर ये गई गई ये गई, ये ट्यून है भाई, इसलिए शायद स्टॉक होती तो भाई वो जीत जाती। स्टॉक होती तो आराम से मार लो भाई, ब्रेक मार लो, कोई फायदा नहीं, ये गाड़ी कर देती है पागल। ट्यून्ड है इसलिए वो आपकी वाली जीत रही है भाई। स्टॉक में तो पता नहीं, स्टॉक में तो पता चल जाता है उसको। स्टॉक में ये होता कि थोड़ी बहुत पीछे रहती या फिर बराबर होती। बराबर होती। बट फिर यार उसके वेट के हिसाब से वो बहुत सही भागती है भाई एकदम। यूं मान लो पर स्टार्टिंग में तो इसको टक्कर दे रही है भाई। दो राउंड कर लिए हैं, यहाँ से वहां वहां से यहाँ, ये गाड़ी जीतती है। अब जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में विक्रम भाई जो अपनी गाड़ी को चलाएंगे। पर भाई ऐसे देखा जाए नहीं, गाड़ी स्टॉक नहीं है, स्टॉक ट्यून्ड है। अगर स्टॉक होती ना ये जीत जाती है आराम से जीतनी थी भाई। अब थर्ड राउंड कर रहे हैं भाई। सुनो विक्रम भाई, मैं ये कह रहा हूँ उसका एसी ऑफ रखो, सिर्फ एक एडवांटेज देते हैं क्योंकि फिर रिजल्ट तो सेम ही हो जाएगा, तो इसमें एसी ऑन रखेंगे हम। ओके चलो देखते हैं। जय माता दी जय माता दी। चलो भाई हम जो है इसमें चलते हैं, अब कोशिश करेंगे विक्रम भाई की गाड़ी आ गए साथ में, तो भाई क्या लगता है भाई के साथ हम तो देखते हैं कौन सी गाड़ी। आपको दे दूं मैं? हाँ बिल्कुल, इसका एसी ऑफर। पागल हो जाती तो, पर वो गाड़ी ट्यून है ना भाई, वो फिर पकड़ी नहीं जाती। ओ भाई भाई गजब हो गया यार। पर यही है भाई, कोई नहीं, हम यूं नहीं कह सकते कि XUV 700 की मतलब परफॉर्मेंस में दिक्कत है ना। वो गाड़ी अगर स्टॉक होती ना भाई, फाड़ के खा जाएगी फिर तो खत्म थी वो मेरी। वरना में और इसमें देखते हैं कौन जीतती है। हाँ टक्कर होएगी, हो सकती है टक्कर। बिल्कुल एक सेकेंड। यस सर। अरे भाई कुछ दो शब्द आप कहना चाहोगे भाई? भाई बोलती बंद हो गया है भाई। भाई ये स्टेज ट्यून है यार, इसी का वो कहते हैं ना एडवांटेज मिल रहा है उसको। बाकी अगर ये ऑटोमेटिक होती तो 100% बाजी मार लेती। टायर स्पिन बहुत ज्यादा कर रही है यार ये। पर भाई स्टार्टिंग इनिशियल में तो ये भी पागल कर देती है वैसे। और ये निकल रही है, हैंडल भी एक बार है ना, मतलब हैंडलिंग में भी यूं हो जाता है अरे भाई कैसे पकड़े इसको। तो भाई तीन राउंड कर चुके हैं, तीनों राउंड की विनर स्कोडा रैपिड रहती है। ज्यादा राउंड करने का मेरे ख्याल से मतलब लग नहीं रहा भाई। आप तो भाई खुश हो, चेहरे से दिख रहा है, खुश तो आप भी हो, खुश हम भी हो, आप भी हो, पर दो शब्द दो वेट का, वेट का ट्यून कार है वो वाला ट्रैक अपने वाला आराम से निकलती है। अब भाई ये बताओ अगर ये गाड़ी स्टॉक होती तो इतना कॉन्फिडेंस में होते आप? कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। वही तो भाई, क्योंकि मैंने स्टॉक वाली तो चला रखी है रैपिड, वो तो आराम से 108 थी ना। हाँ भाई वो तो आराम से आ जाती इससे। हालांकि भाई हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो सेडान में आ जाती है, ये अपनी एसयूवी में आ जाती है। हमारे तो मतलब पब्लिक डिमांड है भाई, कुछ भी कर सकते, पब्लिक के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और मजा तो भाई, इंटरेस्टिंग रेस तो थी। देखो ये देखो भाई बाकी सभी भाई के चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बाकी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और सभी भाई की बिल्कुल ये देख लो भाई, 500 रुपये। चलो भाई यहाँ तक देखी तो इसको लाइक कर देना, चैनल कर देना, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कैसी ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय।